हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का ये ब्लॉग कोलकाता टू अयोध्या हिल का राइड होने वाला है, और बीच में हम बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट घूमेंगे, वो सब तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। अगर वो सब कुछ तुम देखना चाहते हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू करो। तो फिर चलो, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग है, अभी गाइस टाइम हुआ है सुबह का 3 बजे। हम लोगों को निकलने के टाइम का थोड़ा सा लेट हो गया, 10-15 मिनट लेट हो गया। मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ और 3 लोग है, वो सब भी मेरे साथ जाएगा, उनके साथ मैं मीट करने के लिए जा रहा हूँ। हमने देख सकते हो, वो लोग खा रहे हैं, देख सकते हो। राजीव, तो फिर चलो राइज एक नया एडवेंचर पर तुम सबका स्वागत है, तो फिर चलो मिलते हैं रोड पर। एक्चुअली गाइस, अभी तो हम लोग दियाला पर हूँ, तुम लोग देख सकते हो, और बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हम लोग अभी तक रेनकोट नहीं पहना है, क्योंकि थोड़ा हो रहा है, माय रेनकोट बैग में पैक है, पूरा खोलना पड़ेगा, इसलिए गाइस मैंने छोड़ा सोचा अभी तक। एक्चुअली गाइस, ये मौसम सीजन का जो राइड होता है ना, वो सबसे खूबसूरत होता है, इसलिए गाइस मैं अभी तो इसी टाइम पर राइड कर प्लानिंग किया, और जिस जगह पे जा रहा हूँ वहां पर अगर कल बारिश होता है तो और भी ज्यादा खूबसूरत होगा ये राइड। देख सकते हो, बारिश आ गया, जोर से आ गया, जोर से आ गया। यहाँ पर रुकना पड़ेगा, शायद हमें रेनकोट पहनना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, रेनकोट पहनना पड़ेगा। फ्रेंड्स, बियाला से बारिश हो रहा है, हम लोग बियाला से जिधर चाय पीकर जर्नी स्टार्ट किया था उधर से बारिश हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी भी हम कोलकाता में। अबे दूर बहुत साइन बोर्ड तुम लोग देख सकते हो, अभी जल्दी हम लोग विद्यासागर सेतु के ऊपर होंगे। ये विद्यासागर सेतु का साइन बोर्ड है, शायद मुझे पता नहीं है कि कैमरा में तुम लोगों को कैसा दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि पानी आ रहा है, कैमरा झापसा हो रहा है। तब भी देखो वो ऐसे बारिश में, देखो दूर विद्यासागर सेतु का वेलकम का साइन बोर्ड तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, बारिश में शायद थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है शायद, देखो। और गाइस, मैं विद्यासागर सेतु तो बहुत बार क्रॉस किया हूँ, लेकिन इस बार मुझे और भी ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि गाइस जितने बार मैंने क्रॉस किया था बारिश नहीं होता, लेकिन इस बार बारिश हो रहा है। बारिश में पहली बार मैं विद्यासागर सेतु को क्रॉस कर रहा हूँ ऐसे सुबह सुबह, और भी ज्यादा ये मौसम मुझे बढ़िया लग रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ राइड को। अगर तुम भी करना चाहते हो तो मिस मत करो, ऐसे बारिश में आ जाओ और देखो यार, सुबह सुबह इतना जाम, अरे सुबह इतना जाम होगा तो बाद में क्या होगा। अरे यार, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले कस कर लेना चाहिए था, इधर दानकुनी पहले कस करना लेना चाहिए था। देखो ओ, बारिश तो और भी जोर से आ गया यार, बारिश में आज तो इतना ज्यादा बारिश हो रहा है, मेरा तो शरीर के अंदर तो पानी नहीं आया, क्योंकि गाइस मेरा रेनकोट बहुत ही बढ़िया है, रेनकोट बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरा पैर में, मेरा पैर पूरी तरह से भीग चुका है, क्योंकि मेरा जो बूट है वो वाटर प्रूफ बूट नहीं है, बूट के अंदर पानी चला गया, बहुत ही भीग गया पूरी बूट, बूट के अंदर पानी है। तो क्या करो, राइड का मजा कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चला कि मेरा पैर में क्या हो रहा है, बस राइड का मजा कर रहा हूँ। तुम लोगों को वीडियो कैसे आ रहा है मुझे पता नहीं, बस वीडियो को एंजॉय करो, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मिस मत करो,
राइड को। आज तो बहुत ही बढ़िया राइड होगा क्योंकि हम आज बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्लेस घूमेंगे। पहले ये बारिश बारिश का मजा लेते हैं और क्या क्या घूमेंगे मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट जो हमारा स्पॉट होगा वो जयपुर फॉरेस्ट। तो फिर चलो जल्दी चलते हैं जयपुर फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट और भी ज्यादा खूबसूरत होगा। शायद तुम अभी देखो यार, रोड देखो, बारिश की वजह से और भी ज्यादा खराब हो गया। अगर हाईवे का हालात ऐसे होगा तो स्टेट हाईवे का रूट कैसे होगा यार? ये नेशनल हाईवे, इसका हालात देखो। ओह, मेरा तो और भी ज्यादा हालात खराब हो गया, भूत के अंदर पूरी तरह से कादा मिट्टी चला गया। गाइस यहां से जयपुर फॉरेस्ट ओनली 35 किलोमीटर। हे गाइस, एंजॉयमेंट, बारिश कैसा हुआ? बारिश में एंजॉयमेंट कैसे हुआ? गाड़ी गाइस सब कुछ बिक चुका है, मेरा पैर देख सकते हो तुम लोग पूरी तरह से, ठीक है, बिक चुका हूँ। पैर में पानी है, इधर देखो, इधर शौक से पानी निकल रहा है। ये भाई यहाँ से 35 यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, उसके बाद जयपुर फर्स्ट पे एंजॉय करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे सीधा बरंती की तरफ। तो फिर चलो आप लोग वीडियो कंटिन्यू करो, और ये जो जयपुर फर्स्ट का जो रोड व्यू है बहुत ही जबरदस्त है, ये मिस मत करना, अभी से स्टार्ट होगा। तो फिर चलो गाइस, शोरूम से सर्विस करके निकला हुआ रॉयल एनफील्ड हंटर, इसका हाल देखो एक बार, इसका हाल कैसे हुआ देखो, बहुत ज़्यादा। इधर तो मेरा बाइक का हालात देखो, मेरा बाइक का हालात देखो, इधर घर से जब निकला देखो कितना अच्छा था, अभी देखो क्या हो गया, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी भी जयपुर से जाने के लिए हम लोगों को और 31 किलोमीटर गूगल टाइम भी करा है 40 मिनट्स। चलो इधर तो बारिश उतना नहीं हुआ, हम लोग व्यू देख सकते हैं, और जो साइड में जो नजर आया ये देखो बहुत ही जबरदस्त। इधर भी इधर यार बारिश उतना नहीं हुआ, किंतु तब इतना बारिश हुआ ये मैं क्या बताऊं, ये बहुत एंजॉय किया बारिश में, बहुत ज्यादा स्पॉट पहुंचा हूं, तुम लोग भी देख सकते हो। ये सब लोग फोटो फोटो खींचा रहे, एक बार हाई कर दो सब। चलो अभी तो राइड अभी तक कितना होगा, 170 ना, 170 या 180 किलोमीटर होगा। यहाँ पर फोटो फोटो खिंचाएंगे, थोड़ा सा डांस होगा, तब हमारा नेक्स्ट जो तो टूरिस्ट स्पॉट है वो बरंती बरंती लेक पर जाऊँगा। तो फिर चलो आप लोग वीडियो कंटिन्यू करो। अभी टाइम हुआ है 10:50, अभी हम जयपुर पास से निकल के जा रहे बरंती, यहाँ से गूगल मैप जो डिस्टेंस दिखा रहा है 110 किलोमीटर, बचते बचते तो 3 घंटा शायद लग जाएगा, रास्ते में नाश्ता भी करना पड़ेगा क्योंकि गाइस मुझे भूख बहुत जोर से लगी है, अभी तो बहुत ज्यादा देर हो गया, सिर्फ चाय और बिस्कुट खाए गए हैं। और यहाँ का जयपुर फॉरेस्ट का व्यू तुम लोग देखो, यहाँ पर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती किया। जाने के रास्ते में सूरज स्पॉट पड़ता है, यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद चल जाऊँगा। यहाँ से बरंती का डिस्टेंस 60 किलोमीटर। यहाँ का जो व्यू तुम लोगों को मैं दिख रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड पे तुम लोग देख सकते हो, हाँ
लंच करूंगा, अभी रुका हूँ। उधर देख सकते हो वहाँ हमारा बाइक खड़ा खड़े है, इधर लंच करूँगा रेस्टोरेंट पे। बड़ौदी जाने की रास्ते में ही पड़ता है, आपको मैंने रोक कर दूँ रास्ते के पूरे बगल में रेस्टोरेंट है, इधर देख सकते हो हम। हाँ, हम लोगों को इधर से जाना पड़ेगा, तो फिर चलो लंच करके फिर मिलूँगा रोड व्यू पर, बड़ौदी का वंडरफुल रोड व्यू पर। तो फिर चलो वीडियो कंटिन्यू करते हो। अभी अभी बड़ौदी लेक पर पहुंचा हूँ, यहाँ पर ज़्यादा रोड व्यू तुम लोगों को मैंने नहीं दिखा पाया, क्योंकि गाइस मेरा कैमरा का चार्ज खत्म हो गया, माइक्रोफोन का चार्ज खत्म हो गया, सब चार्ज देने के लिए टाइम लग गया। जब मैं यहाँ से जाऊँगा, यहाँ का इसी रोड तो मुझे फॉलो करना पड़ेगा, तब तुमको रोड व्यू अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। यार बड़ौदी लेक तो बहुत ही बढ़िया लेक है, तो गाइस थोड़ा सा लेक का व्यू एंजॉय कर लो, ड्रोन व्यू एंजॉय कर लो, कैसे लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बोलना। तो फिर चलो जस्ट एंजॉय द ड्रोन व्यू। सामने देखो बड़ौदी का वो पहाड़, और इधर पहाड़ के बिल्कुल बगल में से लेक, बहुत ही बढ़िया लेक है, देखो सुपर लग रहा है ना, पहाड़ पहाड़। तो फ्रेंड्स, तुम लोगों को मैंने बड़ौदी लेक का व्यू दिखाया, अभी भी सामने देख सकते हो, सामने बड़ौदी के जो पहाड़ है और सामने तुम लोगों को दिख रहा है, बहुत ही जबरदस्त होगा। स्पेशली ड्रोन व्यू तुम लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बोलना। अभी गाइस हम लोगों का नेक्स्ट मंजिल पंचायत डैम, यहाँ से जो डिस्टेंस गूगल मैप दिखा रहा है यहाँ से 19 किलोमीटर। तो फिर चलो चलते वंडरफुल रोड व्यू के साथ नेक्स्ट मंजिल पर, जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। मैंने सोचा था कि उधर इतना बारिश हुआ था आज सुबह, मैंने सोचा कि इधर भी बहुत ज्यादा बारिश होगा, मैं दौड़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इधर आकर मैंने देखा यार बारिश का कोई नाम ही नहीं है, बस आसमान में बादल छाए हुए हैं, बारिश तो एकदम भी नहीं हुआ, और काल कैसे वेदर होता है तो अभी मुझे मालूम नहीं है, तो कल पता चलेगा, मुझे अभी कोई चेक करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक तो बारिश नहीं हुआ यहाँ पर, तो रोड देखा तुम लोगों को तो पता चल चुका है अभी तक नहीं हुआ, लेकिन बारिश में हम लोग बहुत ज्यादा मस्ती किया, उन्होंने वीडियो देखा है, जैसे मैंने सोचा था ऐसे ही किया। वाह वाह वाह, अरे भाई यहाँ पर देखो व्यू, देखो यार यहाँ पर व्यू देखो गाइस, वाह व्यू देखो, व्यू देखो, व्यू देखो, क्या बढ़िया बढ़िया व्यू है। ऐसे व्यू के लिए तो इंतजार किया था। ए फोटो खींचो जल्दी से फोटो खींचो, यहाँ से निकल जाते, लेट 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 मत करना, हमने इनको किधर घुसा दिया गूगल मैप में, ऐसे हमने घुसा दिया, मैंने तो सोचा ही नहीं था यार, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं किसी के साइड में किसी के घर में घुस जाऊंगा, ऐसे रोड देख कर मुझे ऐसे लग रहा है। मैं अभी सोच रहा हूँ कि बारिश नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, इधर मिट्टी का रास्ता है, देख सकते हो, अगर इधर बारिश होता तो हम लोगों को जाने के लिए और भी ज्यादा मुसीबत उठना पड़ता, बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाता, जिंदगी सब एक दिन के लिए, तो जो करना है आज करना है, अभी करना है, इसी बात करना है, अगर तुम ऐसे सोचोगे तो मैं काम करूंगा तो काम कुछ भी नहीं होगा, वो काम करते 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 तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगा और तुम बुढ़ा हो जाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो करना है आज करना है, इसी बात करना है, हम लोग अभी
अभी कैंसर डैम पर पहुंचा हूँ, यहाँ पर चेक पोस्ट है, देख सकते हो सामने। ये भी तो बहुत बढ़िया जगह है, ये भी बहुत बढ़िया जगह है। जय हिंद सर। क्या व्यू है, ऑसम ऑसम। अरे भाई पैसा वसूल, क्या व्यू है यार। अरे आसमान में पृथ्वी के बारिश है, इसमें और भी ज्यादा जबरदस्त लग रहा है, और भी ज्यादा मस्त लग रहा है। अरे गाइस ये बात तो धोनी तो और भी ज्यादा लगेगा, तुम लोगों ने धोनी दिखाऊंगा, धोनी तो और भी ज्यादा जबरदस्त होगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। पूरा का पूरा डैम का धोनी तुमसे दिखाऊंगा, तो धोनी के लिए इंतजार करो, धोनी वो आएगा, जल्दी आएगा। पहले मैं डैम पर तो पहुंचू, आ गया डैम पर, आ गया, देखो वाओ। इधर भी चेक पोस्ट है, बहुत ज्यादा चेक पोस्ट है, इधर देखो, इधर भी चेक पोस्ट है। देखो यार पेंचित डैम का धुन भी देखो, आसमान में बादल छाए हुए, शायद जल्दी बारिश आ जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है। और ये ऐसे व्यू तुम लोगों को दे, तुम लोग देखे हो तो मुझे कमेंट करके बोलना, अगर नहीं देखे हो तो बोलना तुमको ये व्यू कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार, मैंने बोला था ना कि धुन भी और भी जबरदस्त होगा। देखो यार व्यू देखो, अरे आसमान में बादल छाए हुए इसलिए और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ओह देखो बादल की वजह से और भी ज्यादा मस्त लग रहा है। गाइस देखो बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, हम लोग पूरी तरह से भीग चुके हैं। उधर देखो चलो हेलमेट और रेनकोट पहनकर पेंचे डैम पर खड़ा है। अभी जयचंडी पार्क है जाने के लिए ये पोस्टपोन कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस उधर बारिश हो रहा है, उधर उतना नहीं पड़ेगा और देर हो जाएगा। अभी हम निकलेंगे सीधा अयोध्या पर, वहाँ पर होटल में स्टे करेंगे, तो चलो जल्दी चलते हैं। हम लोग ऑलरेडी 20 किलोमीटर आ चुका है, उधर तो बहुत ज्यादा मेरा ड्रोन गाइस 70 मीटर का हाइट पर फ्लाई कर रहा है, तब जोर से बारिश आ गया, मैं किया गाड़ी सब कुछ भीग गया। अभी होटल में जाकर चेंज किया, चेक करना पड़ेगा कि क्या हुआ, बैठक वगैरह सब ठीक है कि नहीं, क्या करूँ यार। सब बैग में रेनकोट सब बैग पे अंदर था, बैग खोलते बोलते हम सब भीग गए, एक दिन भी टाइम नहीं दिया। और ये जो रोड व्यू तुम लोग देख रहे हो, देखो फॉरेस्ट का रोड व्यू है, और अयोध्या हिल टॉप का रोड है, वो तो सबसे अलग है। किलोमीटर जाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग वहाँ से स्टेट हाईवे 5 से नेशनल हाईवे 32 से पहुंचूंगा, वहाँ से आप नेशनल हाईवे 32 से जाऊंगा अयोध्या हिल। चलो चलते हैं, ऐसे रोड भी एंजॉय करते रहो, व्यू तो बहुत ही जबरदस्त है। उधर तो अभी तक बारिश हुआ है, बहुत पहले बारिश हुआ है, अभी तो बारिश नहीं हुआ है, अभी तो वेदर मौसम तो बहुत ही बढ़िया है। मैं सोच रहा हूँ कल क्या होगा, कल अगर बारिश होता है तो एक और मस्त ड्राइव होगा, अगर बारिश नहीं होता है तो एक अलग ड्राइव होगा। पुलिया 29 किलोमीटर, अयोध्या 71 किलोमीटर, यहाँ पर 71 लिखा है, मेरे मैप पर लिखा है 69। चलो देखते हैं क्या होता है, हम लोगों को तो पूछना ही है 69 हो या 71, उधर तो पूछना ही है, तो क्या लिखा है उससे क्या मतलब। चलो चलो चलते हैं।
अयोध्या हिल पर मैंने होटल पहुंचा 9:30 बजे। होटल रूम यहाँ से लिया, ये हमारा बैल्कनी है, तुम लोग देख सकते हो। और हमारा जो कपड़ा है पूरी तरह से भीग चुका है, इधर सब कुछ दे दिया पूरी में सुखाने के लिए। और चलो मैं रूम पर ले जाता हूँ। और मेरा पैर का जो हालत है एक बार देखो यार, पूरी तरह वाइट हो गया, क्या बोलूँ यार। और ये हमारा रूम का हालत ये देखो, ये हमारा रूम। हाय गाइस, तो राइट कैसा था बारिश में? बारिश में इतना ज्यादा मजा आया। और तो फिर चलो अभी गाइस डिनर करूंगा, डिनर करके तो रेस्ट करना पड़ेगा। और कल पूरा का पूरा अयोध्या हिल में जो जो टूरिस्ट स्पॉट है पूरा घूमेंगे, सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलूंगा एक नया एडवेंचर पर। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।